Assalamu alaikum everyone. Hope you all will be doing well. Welcome back to my channel. तो जी अभी मेरी वीडियो का जो आगाज हो रहा है ये है हमारा स्टे एट क्रेस्पल रिसोर्ट और आज हमारे ये है सेकेंड डे. तो बस सुबह सुबह जी मैं उठी थी सुबह तकरीबन 6:30 बजे का भी टाइम है और मैंने सोचा क्यों ना बाहर थोड़ी सी अच्छी सी वॉक की जाए. बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर निकले हैं और लुक एट द व्यू. व्यू कितना खूबसूरत है. रात में तो बहुत ही ज़्यादा जो है बारिश थी तो वी कुडंट एंजॉय मच आउटसाइड. बट अभी देखें कितना हो धुला धुला कितना साफ साफ जो है मौसम हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है. एंड दीज आर द कारावान्स और यू कैन से द लॉजेस जिसमें हम लोग रुके हुए हैं. ये तकरीबन एक जैसे होते हैं और यहाँ पे लोग जो है इसको बुक करवा लेते हैं शॉर्ट गेटअवे के लिए. यहाँ पे 2 दिन का भी होता है, 3 दिन के लिए भी जो है आप लॉजेस बुक करवा सकते हैं और 7 डेज का भी करवा सकते हैं. तो दिस इज़ द 3rd time इन दिस ईयर कि हम जो है ये कारावानिंग कर रहे हैं और रियली इट इज़ एडिक्टिव. बहुत ही मज़ा आता है, इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं आप. और ज़्यादातर जो कारवांस होते हैं ये इस जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, बीचेस हो आसपास में, बहुत ही पुरसकून एरिया हो, सिटी से हट के हो. तो यहाँ पे ये लोग जो है ये बनाते हैं. और ये पार्कडीन फॉरेस्ट पार्कडीन कारवान एक कंपनी है यूके में और इनके जो है ये जो कारवान पार्क है ये पूरे यूके में है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे. तो जिस जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ये नॉर्थम्बरलैंड का एरिया है क्रेस्वेल. तो ये देखें जी, ये सामने जो आपको टेबल दिख रही है ना, वी डिसाइडेड टू हैव हैड द ब्रेकफास्ट हियर लेकिन फिर जो है वो बारिश शुरू हो गई थी तो हम यहाँ पे नहीं आ सके. कुछ लोग जो है इन कारवान्स को जो है परमानेंटली परचेज भी कर लेते हैं और हॉलीडे होम की तरह रखते हैं. खूबसूरत जो है परिंदों की चहचहाहट है. बच्चों के उठने से पहले वी वर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि किस तरफ जो है बीच है, आसपास का एरिया कैसा दिखता है, कुछ एक्सप्लोर करें राइट एंड लेफ्ट पे. तो वो जो है मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो ज़रा एक्सप्लोर कर रहे हैं. यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत मैंग्रोव्स बने हुए हैं और ये जो बीचेस के करीब जो होता है ना बहुत ही पुरसकून एरिया होता है. तो ज़्यादातर एल्डरली या जो बूढ़े लोग होते हैं वो यहाँ पे रहना पसंद करते हैं अवे फ्रॉम दी हसलिंग एंड बसलिंग ऑफ द सिटी. तो यहाँ हसल एंड बसल से हट के जो है वो बड़ा सुकून मिलता है वैसे, स्पेशली अगर आप 2-3 दिन की हॉलीडेज लेके जो है आप यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें, शोर शराबा नहीं होता, बड़ा ही अच्छा लगता है. यहाँ करीब में एक नेचर रिजर्व भी है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं. कैन यू सी अ स्मॉल रैबिट जंपिंग अराउंड. यहाँ पे हेजॉग्स भी होते हैं, रात में स्पेशली निकलते हैं. एंड देन डियर्स हैं लेकिन डियर्स मैंने नहीं देखी अभी तक. तो अच्छा जी देखें, बारिश शुरू हो गई थी और बारिश तो यहाँ पे इंटरमिटेंट आज की प्रेडिक्शन है तो इंटरमिटेंट होती रहेगी. बट वी हैव टू एंजॉय इन दिस वेदर. ये तमाम अच्छी सी बहुत ही पीसफुल सी वॉक करने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस अपनी अकोमोडेशन पे. और इसके बाद ये सारे लोग उठ चुके थे और अब हम जो है करेंगे अच्छा सा नाश्ता. और नाश्ता करने के बाद हम लोग पैकअप होंगे और हम जाएँगे बीच पे. अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद आई गॉट रेडी. ऑल्दो थोड़ा वेदर इज़ लाइक अ लिटिल बिट कोल्ड और रेनी भी है थोड़ा सा, बट क्या करें हम लोग रेन कोट्स पहन के जो है जाएंगे. ऑल्दो बीच वॉज ऑन वॉकिंग डिस्टेंस बिल्कुल करीब में ही था लेकिन चूँकि बच्चे थे तो बारिश होने के भी चांसेस थे तो हमने गाड़ी ली थी साथ अपने. हाँ जब खेलोगे स्टार्ट करोगे जब. इतनी सुबह सुबह भी इन लोगों को देखें कैसे जो है वो डॉग वॉक के लिए आए हुए हैं लोग और जो है सुबह सुबह जो है वो बीच पे वॉक कर रहे हैं.
हमारे घर वालों को तो बस जो है मैच खेलने की पड़ी हुई थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम अपना एक मैच सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान और पता नहीं वर्सेस किसी का आज मैच था, तो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अगर आए हैं तो दे नीड टू प्ले क्रिकेट एज वेल। ये एक बहुत ही प्यारा सा नोट जो है मेरे बेटे ने लिखा था सबके लिए, मैंने कहा आप उनसे शेयर करूं। Are you done yet? Yeah. Tell me when you're done. Yeah, I'm done. बाकी लोग तो खेल रहे थे क्रिकेट, तो मेरी जो एडवेंचरस सी नेचर है तो मैंने कहा ज़रा देखा जाए यहाँ पे डिफरेंट किस्म के केव्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह के केव्स हैं। मेरी बेटी मुझे बार बार वार्न कर रही थी, डोंट गो इनसाइड मामा, डोंट गो इनसाइड। सो ये देखें छोटे छोटे से, आई थिंक पानी की वजह से ये केव्स से बन गए हैं, यहाँ से पानी टपक रहा है और मैं यहाँ पर चढ़ गई थी ऊपर। शुक्र है कोई गरीब में नहीं था, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई और मेरे फादर, अदरवाइज वो कहते कि जो है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऊपर चढ़ने की, फिसल जाओगी और फिर क्या क्या हो जाएगा। सो आई गॉट सम वेरी नाइस पिक्चर्स देयर एंड आई फाउंड समथिंग अ वेरी नाइस नोट हियर एज़ वेल, किसी ने जो है बड़े प्यार से लिख के रखा यहाँ पे यू आर लव्ड। अच्छा बेटा, अच्छा जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है एंड वेरी वेरी पिक्चरिस्क, लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो है एक मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो ये था कि आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द सामने वाली जो पत्थर दिख रहा है ना बड़ा सारा, उसके ऊपर जाने की मेरी कोशिश थी एंड आई मैनेज टू गेट देयर। वहाँ जाने के बाद इतनी बड़ी कोई वेव आई दैन आई प्लीज स्टेबलाइज और मैं अच्छी खासी पानी में भीग गई, अल्लाह का शुक्र है गिरी नहीं, बट शुक्र आई गॉट मैनेज टू कम बैक। अच्छा जी, इतनी सर्दी के बाद देयर इज अनदर कप ऑफ टी। देयर इज नो वन प्लेइंग, यू हैव टू एंड देन आई जॉइन द लैड्स टू शो देम दैट आई कैन प्ले क्रिकेट एज वेल। What a view of walking along the beach. एक साइड पे जी सारे कारावान्स एंड लॉजेस हैं, दूसरे साइड पे इतना बड़ा सारा बीच और कितना खूबसूरत सा रोड है, बहुत ही मज़ा आ रहा है लिटरली। काशिफ यहाँ आके देखे कितना खूबसूरत है।
जब हम लोग वापस आए बीच से तो पता चला कि भाई इन लोगों ने सरप्राइज बर्थडे प्लान की हुई थी मेरी। एक्चुअली मेरी बर्थडे तो थी नेक्स्ट डे, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग यहाँ पे हैं तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जो है वो सेलिब्रेशन कर ली जाए। तो ये सब लोगों ने मेरे साथ सरप्राइज किया, और खासतौर पर मेरी बेटी ने जो है ना ये बना के रखा हुआ था कि मैंने मामा को जो है सरप्राइज करना है। तो दे थ्रो अ वेरी लिटिल स्मॉल पार्टी, बट इट वॉज ग्रेट कि सबने जो है इतनी तैयारी की थी और सबने जो है छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके रखे हुए थे, और बड़ा मज़ा आया। यू नो सरप्राइज का तो अलग ही मज़ा आता है। Look how many balloons Mama has. You know what? A pair. Mm. Oh no, I'm gonna. This is gonna pop. Don't pop it. I am. Are you? एक मिनट रुक जाओ। ये ऑन कर दिए, स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा टाइम जो है हमने स्पेंड किया बीच पे। हमने यहाँ पे क्रिकेट खेली और पिक्चर्स बनाए, वीडियोस बनाए, चाय पी, स्नैकिंग की। अब हम आ गए हैं घर पे ताकि हम लंच कर सकें, एंड यू कैन सी ऑल द गाइस प्रिपेयरिंग फॉर माय बर्थडे। एक्चुअली आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू दैट ये मेरा बर्थडे वीक है, तो हम लोगों ने ये सारा प्लान किया था। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है, शाम में हम लोग जो है प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे विद ऑल ऑफ माय फैमिली। एंड आई एम सो 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 ग्लैड कि इस तरह की जो सेलिब्रेशन जो है काफ़ी सालों के बाद हो रही है, वह मैं सारी फैमिली के साथ जो है कर रही हूँ। माय कज़न हैज़ केम फ्रॉम जर्मनी, माय डैड इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, एंड माय ब्रदर हैज़ जॉइंड अस फ्रॉम मैनचेस्टर। सो आज जो है हम लोग शाम में जो है प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे छोटी सी यहाँ पे, और बच्चे असल में बहुत एक्साइटेड थे, दे जस्ट वांटेड कि मेरी इस दफ़ा कुछ सेलिब्रेशन हो। नॉर्मली आई डोंट सेलिब्रेट माय बर्थडेज, बट दिस टाइम दे रियली वांटेड टू डू समथिंग। तो इस दफ़ा जो है हम लोगों ने छोटा सा एक केक काटेंगे शाम में, एंड देन कल भी थोड़ा सा जो है एक्टिविटी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम लोग बर्थडे नहीं मनाते, जब हमारे अपने बच्चे हैं तो हम कैसे बर्थडे मनाएं। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी खुशियों को जो है ना आपको सेलिब्रेट करना आना चाहिए, और अगर आप जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे तो आपके बच्चे आपसे लर्न कर रहे हैं।
तो खुशी का वैसे जो आपको पता है हर तरफ आप टेंशन है, स्ट्रेसेस हैं, लाइफ में कितने स्ट्रेसेस हैं, जॉब स्ट्रेस है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं और कोविड के बाद स्पेशली, तो आपको पता है कि इन तमाम स्ट्रेसेस से ओवरकम करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जो है छोटी छोटी सी खुशियों को जो है सेलिब्रेट करें, बर्थडे करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप बर्थडे करें, छोटी सी सेलिब्रेशन करें, खुश हों, एक दूसरे को गिफ्ट दें, और बच्चों की तो हम लोग करते हैं, वाई नॉट अस, हमें भी खुश होने का जो है हक हासिल है, और बच्चे जो है अहमियत समझते हैं ना, वो उनको 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 ये दिखता है कि जी ये इम्पॉर्टेंट डे, जैसे उनकी बर्थडेज हैं उसी तरीके से ये दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड जस्ट लेट देम डू समथिंग फॉर यू, तो वो अभी से कुछ करना सीखेंगे, तो जब आप किसी एज में जाएंगे, किसी अपनी ओल्ड एज तक पहुँचेंगे, तो बस दे नो के भाई पेरेंट्स के लिए क्या करना है, दे दी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज। It was all of a very happening day today. इसके बाद हम बच्चों को जो है प्ले एरिया में लेकर आए और हमने वहाँ पे बड़ा इंजॉय किया। घर आए तो मुझे याद आया कि मैरिनेट की हुई चिकन रखी है, जो कि वेदर ने तो इजाज़त नहीं दी कि उसको बारबेक्यू किया जा सके, तो मैंने सिर्फ जो है ग्रिल कर ली थी चिकन और वो काफ़ी अच्छी बनी थी। पोटैटो की एक लेयर मैंने नीचे लगाई थी और उसके ऊपर जो है चिकन ग्रिल की थी, एंड रियली रियली नाइस एंड यम्मी। इसके बाद हमने लगाई एक और लूडो की बारी और चाय थी हमारे साथ, तो ये था हमारा आज का पूरा दिन जो कि हमने बहुत ही बहुत इंजॉय किया। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।